सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी टाइम टू टाइम सीनियर सिटीजंस के लिए इस तरह की पॉलिसीज लेकर आते हैं, योजना स्कीम्स लेकर आते हैं जिससे उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले, प्लस उनकी एक फाइनेंशियल राइट प्रोटेक्टेड रहे और आमतौर पर उनकी रोजमर्रा की पेंशन आती रहे। बेसिकली उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, कभी किसी चीज की कमी ना हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन पेंशन स्कीम की जो सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम रिटर्न देती है। इस पॉलिसी का नाम है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसको एनडीए सरकार ने यूनियन बजट साल 2014-15 पेश करते हुए लॉन्च किया था, लेकिन आज के समय में इसको फुली LIC अपनी जिम्मेदारी पे चलाती है। तो अगर आप वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लेने जा रहे हैं तो वो बेसिकली LIC चला रही है। अब इसकी थोड़ी सी पॉलिसी स्पेसिफिकेशंस पर आ जाते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आपको सालाना 9% का गारंटीड रिटर्न मिलता है। 9% का ब्याज यानी कि हर महीने आपको पेंशन के रूप में ये अमाउंट मिलेगा, ये परसेंटेज मिलेगी। और स्कीम के अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है 60 साल की उम्र। 60 साल का भारतीय नागरिक कोई भी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इस पॉलिसी के अंदर आप लमसम यानी एक मुश्त में पैसे देते हैं, फिर आपको सालाना 9% का ब्याज मिलता है पेंशन के फॉर्म में हर महीने। जैसे ही आपकी पॉलिसी 3 साल की हो जाती है, 3 साल पुरानी हो जाती है, आप अपनी दी हुई राशि का मैक्सिमम 75% लोन के फॉर्म में यानी लोन के जरिए पैसा चाहे तो निकाल भी सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर पॉलिसी होल्डर को किसी भी तरह की क्रिटिकल इलनेस हो जाती है यानी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इस पेंशन योजना को खुलने के 15 साल के अंदर पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और इस पर इनको पेमेंट किए गए सिंगल प्रीमियम का 98% तक पैसा वापस मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर 15 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी सरेंडर करता है तो उन्हें पेमेंट किए गए सिंगल प्रीमियम पर 100% तक का रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आपने 15 साल पूरे किए तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। वहीं पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लेने के 15 दिनों के अंदर इस पॉलिसी को रद्द करने का ऑप्शन होता है। यानी कि अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई तो 15 दिन के अंदर आप इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। इस योजना के अंदर 4 मोड के अंदर पेंशन मिलती है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो मंथली हर महीना ले सकते हैं, क्वार्टरली यानी हर क्वार्टर हर 3 महीने में एक बार ले सकते हैं, सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार ले सकते हैं, या फिर एनुअली यानी कि पूरा 9% एक ही बार में साल में एक बार भी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, इनकम प्रूफ, अपनी कुछ फोटोग्राफ्स और हाँ नॉमिनी की डिटेल ज़रूर देनी होती है, क्योंकि किसी भी तरह की पॉलिसी हो, अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी के पास वो पॉलिसी होल्डर का दिया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए नॉमिनी की भी डिटेल देनी आवश्यक है। आप चाहें तो LIC की वेबसाइट पे जाके बड़ी आसानी से इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, इसकी बाकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो अपने लिए इस पॉलिसी को आप कंसिडर कर सकते हैं। 9% का एनुअल रिटर्न काफी अच्छा होता है, शायद ही आज के समय में किसी भी बैंक में मिलता है 9% का ब्याज। प्लस अगर आप एक मिडिल एजड इंडिविजुअल हैं, 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, किसी कुछ भी उम्र है आपकी और आपके पेरेंट्स 60 साल से अबव हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए इस पॉलिसी को ज़रूर कंसिडर करें। कंप्लीट सेफ्टी है और अच्छा रिटर्न है, इसलिए शायद ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको इस तरह की और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल स्कीम्स की जानकारी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस जाननी है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए पैसा लाइव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सभी अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।